हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन वेस अप्रोच। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एंड बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को फाइंड आउट करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है। तो इन रूट्स को हम ऐड कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स के लिए। तो इस तरीके से हमें देखिए क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो टू अल्फा बीटा। और ये देखिए कुछ और नहीं है, ये तो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो चूंकि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन वन होगी। तो माइनस बी का स्क्वायर अगर करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का सम पी स्क्वायर आएगा। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक रूट है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और दूसरा रूट है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर से पहले इंटू कर लें तो हमें मिल जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। एक्चुअली अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिलेगा, जिसे हम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ जरा देखिए, इन दोनों में कॉमन अल्फा बीटा आ जाएगा, तो मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्फा बीटा आप कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहां से मिलेगा टू अल्फा बीटा। और इसके बाद देखिए, इनके लिए आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है उसके रूट्स का प्रोडक्ट, तो कांस्टेंट टर्म क्यू है, क्यू बाई वन क्यू हो जाएगा, और सम ऑफ रूट्स माइनस पी हो जाएगा। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा माइनस पी होगा और अल्फा इंटू बीटा क्यू होगा, इसी में रख दिया जाए। तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्यू हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है माइनस पी का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला करके हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर क्यू मिल जाएगा बाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। देयरफोर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हम लोगों ने निकाला है पी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू जीरो।
ये देखिए हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इस क्वेश्चन के लिए देखिए 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कोई एक सही है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो सभी में है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। पी स्क्वायर एक्स नेगेटिव, तो नेगेटिव देखिए थर्ड में है और फोर्थ में भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पी स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर क्यू। ये देखिए ऑप्शन जो फोर है इसे मैच कर रहा है, मतलब ये हुआ कि ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 41। तो हम लोग को नंबर्स निकालना है और आंसर के रूप में 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें से कोई एक सही है। तो लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, तो इनका सम दिया हुआ है 9 और इनका स्क्वायर का सम दिया हुआ है 41। तो हम लोग को नंबर्स निकालना है। देखिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा एक टेक्निक लगाने वाला हूँ, एक मैं बहुत ही बेहतरीन अल्जेब्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करने वाला हूँ। 2 a² + b² = a + b² + a - b² अब जरा देखिए, हमें ए प्लस बी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम है, जरा इसमें रखा जाए, तो 2 × 41, ए प्लस बी 9 है, उसका स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए 82 आएगा, 81 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ए माइनस बी बराबर प्लस माइनस 1 ले सकते हैं। तो कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए माइनस बी इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए ए माइनस बी की दो वैल्यू है, एक वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू माइनस 1 है। तो हम लोग बारी बारी से कंसीडर करते हैं। तो अगर हम ए माइनस बी बराबर 1 लेते हैं, तो देखिए ए प्लस बी कितना दिया है, 9 दिया है, हमें ए और बी चाहिए। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर लेंगे, तो 2a = 10, मतलब a = 5 मिल जाएगा। चूंकि a प्लस बी मिला करके 9 है, a 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि b जो होगा वो 4 होगा। अगर हम कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए माइनस बी इजकल टू माइनस 1 ले लें और ए प्लस बी की वैल्यू 9 दिया हुआ है, ऐड कर दें, तो हमें मिल जाएगा 2a = 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू 4 मिलेगी, क्योंकि ए प्लस बी मिला करके 9 है और ए आपका 4 आ रहा है, मतलब b 5 होगा। तो हम देख रहे हैं कि एक नंबर 4 है, दूसरी नंबर 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्स, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।